यूट्यूब चैनल बेलवार रॉकर्स में और हम नीर कद्दू नामक जगह में हैं अभी, जहां पर एक एडिट टनल का निर्माण हो रहा है और काफ़ी हद तक यहां पर काम पूरा हो चुका है। दोस्तों देखिए काम अभी चल रहा है, आपको दिखाते हैं। 200 मीटर से ऊपर की ये एडिट टनल है, उसके बाद हमारी 12 किलोमीटर की मेन टनल बनेगी जो हमारी ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी के पास निकलेगी। और ये देखिए दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको कितना हो चुका है यहाँ पर काम। ये देखिए दोस्तों कार्य निर्माण यहाँ पर चल रहा है और कोई पत्थर ना गिरे या मिट्टी ना खिसके इसके लिए यहाँ पे रॉक को पूरा होल्ड किया जा रहा है, बोल्टिंग की जा रही है, फास्टनर किए जा रहे हैं, आपको दिखेंगे। ये देखिए फास्टनर ग्राउटिंग करे हुए दिखेंगे आपको, जो हमारे रॉक को होल्ड करके रखते हैं और रॉक बोल्ट बोलते हैं दोस्तों इन्हें, जिससे हमारा पथराव नहीं होता है सड़क पर। टनल को काफ़ी मजबूती से बनाया जाता है, इसी तरीके से टनल के अंदर भी ऐसे ही होल्ड किया जाता है। आपको टनल के अंदर का एरिया भी दिखाएंगे हम दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कार्य निर्माण चल रहा है, अभी ऊपर का काम चल रहा है, अभी टनल का एरिया भी दिखाएंगे दोस्तों आपको। ये हमारी ऋषिकेश से तपोवन की तरफ जाकर पहली टनल है जो नीर गड्डू नामक जगह पे है। और देखिए दोस्त, एकदम हाईवे से दिखता है ये काम होता हुआ, आप कभी जाएं तो ज़रूर देखें। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है एडिट टनल का, 240 मीटर की ये टनल है दोस्तों, जो अभी 200 मीटर बनकर तैयार हो चुकी है और 40 मीटर इसमें काम अभी बाकी है दोस्तों। ये टनल पूरी ब्लास्ट करके बनाई गई है दोस्तों, ना यहाँ पर TBM मशीन का यूज किया गया, बस ब्लास्ट करके और ये टनल को तैयार किया गया है, जो 240 मीटर लंबी है और 200 मीटर इसमें काम हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देख गया अपना ये टनल, ये देखिए पूरा सीमेंटेड, आगे से कुछ प्लास्टिक नहीं है जिससे हमारे कोई पथराव ना हो, कोई मिट्टी ना गिरे, कोई पहाड़ टूट के नीचे ना गिरे। रॉक बोल्टिंग की गई है प्रॉपर तरीके से, तो इतना बड़ा एरिया जो है पूरा कास्ट किया गया है कि कोई रास्ता कभी भी ब्लॉक ना हो। और दोस्तों ये टनल खाली बस काम करने के लिए बनाई जाती है, जो टनल बनती है इसके अंदर बनती है, मेन जो टनल है इस टनल के अंदर होती है दोस्तों। और आपको फिर दिखाएंगे कभी, अभी हम चलते हैं अपने ऋषिकेश की तरफ दोस्तों। तो और ज़्यादा जानने के लिए दोस्तों देखिए हमारा वीडियो आता रहेगा और ऐसी ऐसी नई नई जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि टनल जो है हमारी दोस्तों, टनल के अंदर टनल बनती है, एडिट टनल जो होती है बस एक काम करने का जरिया होता है अंदर टनल के, बस उस मेन टनल को बनाने के लिए एक टनल बनानी पड़ती है जिसे एडिट टनल कहते हैं दोस्तों। तो हम आपको जल्दी मेन टनल भी दिखाएंगे दोस्तों, अभी अगली बार हम आपको श्रीनगर ले चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ पर कितना हो चुका है काम। तो अभी चलते हैं हम ऋषिकेश को और जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देख के जाना दोस्तों। जय